हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा अंडर द यूएन ट्रीटी विल बी अंडर डोमेस्टिक लॉज, ऐसा इंडिया बोल रहा है। एज अ यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स नेगोशिएट टू ट्रीटी ऑफ काउंटर साइबर क्राइम, इंडिया हैज मेड सजेशन एट द इंटरनेशनल फोरम दैट ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा अंडर द कन्वेंशन विल बी डन इन अकॉर्डेंस विद द कंट्रीज डोमेस्टिक लॉ एंड नॉट अदर एप्लीकेबल इंटरनेशनल लॉज। मतलब यहाँ पे इंडिया अपना पॉइंट रख रहा है, साफ बताया कि हम अपने डोमेस्टिक लॉ को प्रेवलेंस देंगे, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर रखेंगे। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन अगस्त सेज द पर्सनल डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फॉर फुलफिलिंग एनी ऑब्लिगेशन अंडर लॉ। तो इस एक्ट की बात हो गई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द एक्ट दैट केम इन फोर्स ऑन अगस्त 19 आफ्टर रिसीविंग असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर फॉर्म टू डिस्क्लोज द यूजर एंड आइडेंटिटी ऑफ अदर फॉर्म्स टू विच देयर डेटा वुड बी इंटरेस्टेड फॉर प्रोसेसिंग बट दे आर एक्सप्लिसिटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग और शेयरिंग और सच डेटा द केस ऑफ लॉफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। द यूनियन होम मिनिस्टर रिसेंटली रिव्यू द डेटा ऑफ यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन टू डिस्कस द नेसेसरी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम इफ दिस कन्वेंशन इज साइंड एंड रेक्टिफाइड बाई इंडिया। द कन्वेंशन विच हैज़ बीन एट द नेगोशिएटिंग टेबल फॉर द पास्ट 3 ईयर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी रेक्टिफाइड बाई UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2024 एट द सिक्स सेशन ऑफ द एडॉक कमिटी टू एलोबरेट कम्प्रीहेंसिव इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द काउंटरिंग ऑफ द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर क्रिमिनल पर्पज। ठीक है ठीक है। इंडिया ऑल्सो एग्री टू द क्लॉज दैट द स्टेट पार्टीज में ट्रांसफर पर्सनल डेटा टू द थर्ड कंट्री ओनली विद द प्रायर रिटर्न ऑथोराइजेशन ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफरिंग स्टेट पार्टी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आप देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, DPDPA हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो यहाँ पर है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये लॉ हो जाता है। अगस्त 12 को इसको प्रेसिडेंट असेंट मिल गया है, तो ये हमारा इन्फोर्स हो चुका है। और इंडिया बात कर रहा है भाई, शेयर कर सकते डेटा अगर जिस कंट्री का डेटा है वो एग्री करती है तब। तो यहाँ पे ये बात होता है। तो यहाँ पे आप पर्सनल डेटा देख सकते हैं क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए ये एक्ट हो जाता है। इस एक्ट के हमें सारी चीज़ें इन एंड आउट पता होनी चाहिए। एज ए एस्पिरेंट एंड एज ए सिटीजन एंड एज अ लर्न पर्सन हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क आउट टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।